हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको कल से आगे के क्वेश्चन से क्वेश्चन पर बातें करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने जहां तक प्रैक्टिस किया था उससे आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जरा देखते हैं। लिखा हुआ है दिस इज स्ट्रिक्टली और फिर ब्लैंक है, बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। देखिए, अगर केवल ईडियम दे दे, मुहावरा दे दे और उसका मीनिंग पूछे, तो अगर आपको रटा है तब तो काम कर गया, और नहीं रटा है, याद नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब सेंटेंस में फिल करने की बात आती है तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको यह होता है, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पे आप चीज़ों को जज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं ये सारे जो मुहावरे हैं इनका मैं मीनिंग बता देता हूँ, इनका मैं अर्थ बता देता हूँ कि क्या है इनका अर्थ। तो देखते हैं, देखिए पहला है ऑफ द रेल्स। ऑफ द रेल्स का मतलब होता है डिसऑर्डर मैनर, मतलब लिटर्ड, कोई चीज अस्त व्यस्त है, फैला है, तो आप इसे बोल सकते हैं अस्त व्यस्त। ठीक है, ऑफ द रेल्स का मतलब होता है तितर बितर, अस्त व्यस्त। सिक्स एंड सेवन से एक और idiom है। ऑफ द की का मतलब होता है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित, अनरीजनेबल, जो चीज उचित नहीं है, अनुचित। ठीक है, ओके। अगला है ऑफ द मार्क। मार्क मतलब मानक से हटके, यानी कोई मुद्दा है आपका, को उस मुद्दे से हटके, मुद्दे से हटके। तो ये क्या हो गया, ऑफ द मार्क। मान लीजिए कोई टॉपिक छिड़ रही है, बात चल रही है किसी टॉपिक पे, आप शुरू हो गए किसी टॉपिक पे, तो इसे बोलते हैं ऑफ द मार्क। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है, ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि चीजों को छिपा लेना, गुप्त रखना, छिपा लेना या किसी बात को गुप्त रखना, किसी को न बताना, ये होता है क्या, ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से अब साफ साफ पता चल रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड से इसका खात्मा। अब देखिए, या छिपा लेना, दिस इज स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। कह रहा है कि ये स्ट्रिक्टली, अब स्ट्रिक्टली क्या ये आपको समझना है, स्ट्रिक्टली अस्त व्यस्त, स्ट्रिक्टली अनुचित, स्ट्रिक्टली मुद्दे से हटकर, और स्ट्रिक्टली छिपा लेना, गुप्त रखना। तो देखते हैं कौन सी चीज यहां पर फिट आएगी, सुटेबल। तो दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस, ये स्ट्रिक्टली, ये थोड़ी सी ऐसी बात है जिसे सेक्रेट रखा गया है, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, लेकिन कोई ना कोई चेंजेस नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, लेकिन ये बात अभी कंपनी ने ऑफ द रिकॉर्ड रखा है, यानी जग जाहिर नहीं किया है, लोगों को बताया नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक बार फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन आपके सामने है, चार सेंटेंस दिए गए हैं, वेरी सिंपल हैं, और इनको जरा देख लिया जाए कैसे होते हैं। देखिए, देयर वॉज सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, हिम यानी कोई, यहाँ इस पूरे सेंटेंस में कोई मेल है, आगे के सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में हिम वर्ड आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मेल है। प्रोनाउन नाउन के लिए आता है, यानी कोई ना कोई नाउन है जिसका। अब फिर यहां पे लिखा है शी लुक्ड एट द मैंगोज, शी लुक्ड एट द मैंगोज, उसने मैंगोज को देखा, लॉन्गिंगली मतलब बेचैनी से, मतलब बहुत ले लेने की इच्छा से देखा, एकदम तड़प कर। अब शी आया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फीमेल भी यहां पे है। रोमी वॉज, अब देखिए रोमी,
अब रूमी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पता कैसे चले कि ये मेल है कि फीमेल है। रूमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंगर। वो क्या है, वो रूमी वॉज ग्रोइंग फास्ट, बहुत जल्दी वो बड़ी हो रही थी, हो रहा था कि हो रही थी पता नहीं, एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री, वो बहुत हंग्री रहता था कि रहती थी। अभी देखिए कुछ क्लियर नहीं है, तो देखते हैं। हंग्री जब कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या रहेगा उसके लिए। अब देखिए यहां पे आया कमला, कमला तो पक्का है कि एक लड़की का ही नाम होगा। अब कमला के लिए क्या होगा, जस्ट शी वॉज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग। देखिए ये ही, देखिए भूखा कौन था, रोमी, रोमी के लिए प्रोनाउन कौन आया, ही आएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसकी शुरुआत किससे होगी, सी वाले ऑप्शन से। तो सी वाले ऑप्शन से होगी, मतलब रोमी वाला सेंटेंस में ए और बी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। रोमी अगर हंग्री था तो इसके लिए क्या उपलब्ध है, मैंगोज पड़े थे वहां पे उसके बगल में ही, यानी सी के बाद पेयर किसका बनना, सी के बाद कौन आना चाहिए, बी। तो पहला सेंटेंस सी होना चाहिए और जस्ट बाद बी आना चाहिए, तो पहला सेंटेंस सी है और जस्ट बाद बी आया है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब इसको सेट करके आप पढ़ना हो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ के चेक कर लीजिए। रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड नियरली ऑलवेज हंग्री, देर वॉज सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, फिर डी वाला सेंटेंस, एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन कमला केम अलोंग। अब देखिए मैंने कहा था आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। कमला लड़की का नाम है, कमला मेंशन हुआ है डी में, और इसके लिए ऑप्शन आया है किस में आया है, बी में, यानी ये शी वाला जो ऑप्शन है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, कमला को कनेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, रोमी वॉज गोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री, ठीक। उसके बाद आना चाहिए देयर वर सम मैंगोज लाइन, सी के बाद ए आना चाहिए, आई एम सॉरी। देखिए एक चीज और है, यहां पे एक गड़बड़ी हो गई। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि कमला जो है ये फीमेल है, तो कमला से रिलेटेड ऑप्शंस ये है, यानी जिसमें डी के बाद जस्ट बाद बी आया हो, तो डी के जस्ट बाद बी किस में आया है, ऑप्शन डी में आया है। और मैं कहा भी था कि ए और बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी या डी ही होगा, और सी फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, तो सी फर्स्ट सेंटेंस है, डी के बाद बी आया है, करेक्ट ऑप्शन ए है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, मैंने आपसे कैसे कहा कि कमला फीमेल है, तो इससे डी वाले ऑप्शन से के बाद कौन आएगा, बी आना चाहिए, तो डी और बी का पेयर बना है, तो डी और बी किस आया, ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको पैसिव ढूंढना है, यानी ये आपको बता दिया, आपका बोझ हल्का हो गया कि ये एक्टिव है, तो मैं कहता हूं कि तुरंत अटैक किया करो वर्ब पे। अब यहां पे वर्ब जो है कह रहा है प्लीज, प्लीज लगा दिया इंपेरेटिव सेंटेंस, शेयर योर क्लास नोट, शेयर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और प्लीज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यू आर रिक्वेस्टेड, तो और किसी में ऐसा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया इसने, टू शेयर योर क्लास नोट विथ मी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म चलिए देख लेते हैं, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करना है, देखना है कि राहुल ने कहा आई को चेंज होगा, देखिए प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन,
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर राहुल है, तो राहुल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यानी ही ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, तो डी वाले को तुरंत रिजेक्ट कर दो। कर दिया। अब देखो कैसे अपने ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं हम लोग। कैन दिया हुआ है, कैन क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। ऑप्शन ए में क्या हो गया? शुड हो गया। ऑप्शन ए रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन बी में कैन ही रह गया, ऑप्शन बी रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन सी में कुड है, हाँ है, क्लियर कर दो। क्या दिक्कत है भाई? बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप सेंटेंस को आप पा सकते हो रूल ऑफ एलिमिनेशन से। लेकिन रूल ऑफ एलिमिनेशन काम तब करता है जब आपको चीजें पता हो। देखिए मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, राहुल सेट दैट कंजंक्शन लगाना ये वो नहीं, मैं सीधे देख रहा हूँ हाँ ये चीज है नहीं है, क्रॉस। ओके, इस तरह से ये अप्रोच होना चाहिए। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अच्छा, ये ईडियम दिया हुआ है, अंडरलाइन वाले पार्ट में ईडियम दिया हुआ है, और यहां पे ये कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट में इन द डार्क, इस ईडियम का मतलब क्या है? तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब। अपने जॉब के सही नेचर के बारे में उसने अपने वाइफ को अंधेरे में रखा, अंधेरे में। आप बात बात में अपने दोस्त से कहते तो मुझे अंधेरे में रखे इस बात को लेकर, मतलब वो चीज़ जानकारी में नहीं आने दिया आपने, उस चीज से आप अनभिज्ञ रखे उस व्यक्ति को, या वो व्यक्ति आप इन चीजों से अनभिज्ञ रहा, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? तो इसका मीनिंग क्या होगा? इन अ हाई पोजीशन, जी नहीं। इन द डार्क प्लेस, ये भी नहीं होगा। इन इग्नोरेंस, हाँ ये होगा। इग्नोरेंस माने अनभिज्ञता, अज्ञानता। अंधेरे में रखना मतलब जानकारी न होने देना, इग्नोरेंस रखना। तो उसे क्या रखा? अपने जो जॉब है उस जॉब के सही जॉब का जो नेचर था कि भाई वो किस पद पे है, क्या काम करता है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, ये सारी बातों पर उसने अपने वाइफ को क्या रखा? अनभिज्ञ रखा, अनजान रखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, अनभिज्ञ रखना, अनजान रखना, यही चीजें हैं यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हाँ भाई, कह रहा है कि सेंटेंस के जिस हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है वही हिस्सा आपका आंसर है। तो देखते हैं कहाँ है एरर हो सकता है। एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। देखिए पढ़ते समय मैं तो सही पढ़ गया लेकिन लिखा यहां गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कहता है कि अगर हैज और हैव का इस्तेमाल दोनों में से कुछ भी हुआ है तो दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहां बिकेम सेकेंड फॉर्म में है जो कि गलत है। क्या आना चाहिए? बिकम आना चाहिए, बिकम ये होना चाहिए। तो आपको सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना नहीं है, बस ये बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो जिस पार्ट में बिकम बैठा होगा, बिकेम होगा, वही पार्ट आपका आंसर है क्योंकि उसी में एरर है। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एवरीथिंग हैज बिकम। ठीक है, और कैसे क्या सही हो सकता है? बिकेम की जगह बिकम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यानी ये आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है इस ग्रुप के लिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिया हुआ है इसके लिए कौन सा एक वर्ड हो सकता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन, डब्ल्यू आई यानी नहीं, नहीं ग्रेप, ग्रेप ग्रेप माने अंगूर, अंगूर की कल्टीवेशन, खेती के लिए कौन सा चीज यूज होता है? तो इसके लिए जो चीजें होंगी
अंगूर की खेती बोलते हैं विटी कल्चर, कल्चर माने खेती। तो विटी कल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती के लिए आता है या अंगूर से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है विटी कल्चर। लेकिन और भी तीनों चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर माने होता है कृषि या फार्मिंग जो नॉर्मली हम सब करते हैं अगर किसान के घर से बिलोंग करते हैं तो। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, हॉर्टिकल्चर में तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ों की खेती होती है, फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल फल सब्जी और फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर, इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व है, सब्जियों की खेती फूलों की खेती और फ्लावर की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीड़ों को पालना, सेरीकल्चर कहलाता है। लार्वा होता है छोटा छोटा रेशम का जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिल्क वॉर्म जो होता है उसको हम अगर रियर करते हैं मतलब पालते हैं तो उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसे कह सकते हैं रेशम के कीड़ों का पालन को उस बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन विटीकल्चर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम पर्यायवाची आ गया भाई, कह रहा है एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य और सिंपल वर्ड यूज करता हूं, साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ। ठीक, ओके, अब जो इसी के जैसा अर्थ देगा वही इसका आंसर है। लिखा हुआ है रेफ्यूटेशन, रेफ्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का डिनायल, रेफ्यूटेशन और डिनायल खंडन, रेफ्यूटेशन माने खंडन, कोई भी चीज होता है आपने कह दिया नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं थे वहां पे, हम उपस्थित नहीं थे, हमने ऐसा नहीं किया, ये रेफ्यूटेशन यही डिनायल है। कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, कंसीलमेंट नाउन फॉर्म है ये, तो इसको छिपाना होता है। तो एविडेंस का करेक्ट ऑप्शन पर्यायवाची होगा इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है एविडेंस क्या करता है, सुबोध क्या करता है, चीजों को इंडिकेट करता है, संकेत देता है, तो उससे मिलता जुलता शब्द हमारे पास क्या है, इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो कुछ बताए, और सबूतों से हम कुछ ना कुछ तो जानते ही जानते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंडिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्म, कह रहा है कि एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है आपको, सबसे उचित डायरेक्ट फॉर्म जो है वो ढूंढना है। तो देखते हैं कि सबसे उचित डायरेक्ट फॉर्म इसका कौन सा है भाई, यानी इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, अब आपको क्या ढूंढ लेना है, डायरेक्ट स्पीच इसका ढूंढ लेना है। तो जरा देखते हैं कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, शी टोल्ड द विलेजर्स, अब टोल्ड सेट टू हो जाता है, ठीक है, और यहां दिया हुआ है शी वुड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, शी वुड, अब यहां पे शी दिया हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो ये विलेजर्स को बोल रही है और यहां पे शी है, तो कौन सा प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो शी के लिए वी तो हो नहीं सकता है, तो शी अपने लिए, सी के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, आई, यानी ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे शी आ गया है, ऑप्शन बी में भी शी आ गया है, यानी ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया,
ऑप्शन सी में आई आया है, ऑप्शन डी में भी आई आया है, यानी आंसर आपका सी या डी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ वुड है, अब आप सोचिए क्या चेंज होके आया है, विल रहा होगा तो वुड आया है, यहाँ भी विल है, यहाँ भी, हाँ देखिए यहाँ विल है, यहाँ वुड है, वुड हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये तो चेंज होके आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या, बचा सी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। सी सेड टू द विलेजर्स आई विल नॉट रेस्ट टिल शी, यहाँ देखिए हैड है ना, तो कौन सी चीज चेंज होके आती है, हैव या हैज, तो जिसमें हैव आया हो तो यहाँ हैव आया है, देखिए यहाँ पे फिर गलती है, एम है, ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और ये पैरा जंबल का क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि ये इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, तो अब आपको आइडिया तो लगा ही हुआ है कि इसका क्या करते हैं, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में सेंटेंस को देखते हैं, पहला सेंटेंस कहता है कि इट वॉज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स, इट वॉज टॉस, टॉस मतलब ये उछल पड़ा, टॉस करना मतलब उछल पड़ा, कौन उछाल दिया इसको, वेव्स पर उछल पड़ा, इट यानी कोई वस्तु है जो उछल पड़ी, कौन उछल पड़ा, आप जरा देखते हैं, अ वायलेंट स्टॉर्म रॉक द सी, एक बड़ा ही भयंकर तूफान रॉक द सी, पूरा समुद्र को एकदम झकझोर दिया, द हेल्पलेस पीपल अबोर्ड द शिप प्लंज्ड इन टू द सी, जितने बेचारे असहाय लोग थे शिप पर वो प्लंज, देखिए पहली बार शेल कहाँ जिक्र हुआ, शिप का इसमें हुआ है, द शिप, ठीक है ना, आगे कह रहे फियर्स विंड्स स्ट्रक अ सेलिंग शिप, अब देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले टकराएगी हवा, उसके बाद ही तो वो लहर उठेगी, तो किस सेंटेंस में, किस सेंटेंस में हवा टकरा रही है शिप से, यहां तो वायलेंट स्टॉर्म सी में आया, लेकिन विंड किससे टकरा रही है सी में, सेलिंग शिप में, यानी वो ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, डी वाला ऑप्शन से, ऑप्शन तो ठीक है, डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि यहां पे शिप जब हवा टकरा रही है शिप से तो शिप क्या होगी, उछल जाएगी, टॉस करेगी, यानी डी के बाद क्या आना चाहिए, ए वाला ऑप्शन आना चाहिए, तो डी के बाद ए वाला ऑप्शन किसमें है, ये बी में भी है, इसमें भी है, और डी के बाद ए वाला ऑप्शन, डी के बाद ए, तो डी के बाद ए वाला ऑप्शन या तो बी में है और डी में है, यानी ये और ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या सीक्वेंस बनता है। अब पहला सेंटेंस क्या हो सकता है कि भाई ये हवाएं तो शिप को हिला दें, लेकिन सबसे पहली बात आप बताइए कि जब तूफान आया तो वो कहाँ आया, समुद्र में आया, तो यानी बी जो होगा फर्स्ट सेंटेंस होगा, और डी जो होगा उसमें डी ए का पेयर बनेगा, तो डी ए का पेयर दोनों में बना है, लेकिन बी फर्स्ट सेंटेंस कौन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सेंटेंस को कोरिलेट करने की कोशिश करना है कि किससे कौन कोरिलेट करता है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इट वॉज टॉस्ड, ये उछाल दिया गया, हाई ऑन द वेव्स, लहरों ने इसे उछाल दिया, लहर आई कब, किसको, कहां, कौन उछला, जब हवा, तेज हवाओं ने सेलिंग शिप को, यानी चलते हुए शिप को बहुत तेजी से स्ट्रक किया, झटका दिया, तब ये उछल गया, तो मैंने कैसे पेयर बनाया, डी और ए का, तो डी और ए का पेयर पाते ही मैंने बाकी की चीजों को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो ऐसे एलिमिनेशन से आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चंस। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहते हैं, आगे भी लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।